Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well और exam की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी. तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और job के update को लेके जो कि direct निकल के आ रही है Army MES की तरफ से, यानी कि Military Engineering Services की तरफ से bumper number की seat के लिए vacancy 2024 के regarding. तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी तीनों तरह के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे. बम्पर नंबर की सीट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका टोटल सीट जो है ना 42,000 के करीब, यानी 41,822 सीट्स आपके रहने वाले हैं. मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है. तो आगे हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के बारे में, संपूर्ण डिटेल के बारे में. लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो या फिर इसका अप्लाई लिंक वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर. हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जा करके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल पोस्ट आपका 42,000 के तकरीबन रहेगा. तो मैं बताऊंगी पोस्ट वाइज क्या सीट और क्वालिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए फॉर्म का फी क्या रहेगा. देखिए, जनरल और ओबीसी से 100 रुपीज़, यानी 100 रुपया लिया जाता है. वहीं पर अगर आप एससी एसटी हो या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल, उनसे फी नहीं लिया जाएगा कोई भी चार्ज. अब आते हैं एज की लिमिट के ऊपर. देखिए, एज का कट ऑफ डेट अभी तक रिवील नहीं किया गया है. एज का जो लिमिट रहेगा 18 से 25, यानी 18 to 25 ईयर्स. कुछ कुछ पोस्ट के लिए 28 ईयर्स भी रहने वाला है. ये भी आपका पोस्ट वाइज डिसाइड होगा. रिलैक्सेशन का तो आपको पता है कि जो अपर एज लिमिट होता है उसमें छूट मिलता है. ओबीसी को 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष का और एससी एसटी को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का. अब बात करते हैं पोस्ट वाइज सीट और क्वालिफिकेशन के ऊपर. देखिए, टोटल 7 टाइप का आपका सीट रहने वाला है. पहला पोस्ट है नेट का, जिसके लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी है, 27,930 रहेगा. और सिर्फ जो 10वीं पास यानी 10th पास है ना, वो सभी अप्लाई करेंगे. परसेंटेज का कोई इशू नहीं रहने वाला है. सेकेंड, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए 11,316 पोस्ट रहेगा और इसमें भी 10th पास की भर्ती रहेगी. थर्ड पोस्ट है आपका स्टोर कीपर का, 1,026 पद रहेंगे. 10th पास हो और साथ ही साथ 12th और साथ में टाइपिंग होना चाहिए. अब 12th में कोई भी आपका विषय हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है. टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए. फोर्थ है ड्राउट्समैन का, 944 यानी 944 पद रहेगा और 12th पास अप्लाई करेंगे. डजन मैटर क्या स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, कोई सा भी स्ट्रीम है तो आप अप्लाई कर सकते हो. देखिए, यहाँ पर आपका फिफ्थ जो है सुपरवाइजर फॉर बैरक एंड स्टोर, इसके लिए 534 पोस्ट रहेगा. सिक्स नंबर पे बैरक एंड स्टोर ऑफिसर का 120 सीट्स रहेगा. लास्टली आर्किटेक्ट फॉर ग्रेड ए 44 सीट्स रहेगा. और ये तीनों जो भर्ती है ना, इसके लिए हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे बीटेक मांग सकता है, बी या फिर एमबीए वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, आर्किटेक्ट का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए. तो ये आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली दिखेगा कि किस पोस्ट का क्या डिटेल में आपका क्वालिफिकेशन है. मोटा मोटी तौर पर मैंने सारी चीज़ें बेसिक आपको बता दी है. अब आते हैं हम सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर. तो देखिए, पिछले साल जो नोटिफिकेशन में आया था उसके तहत मेडिकल वगैरह सब होना था, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरली सारे जो आपके पोस्ट है ना, इस सब में आपका मेडिकल नहीं होता है, सॉरी आपका इसमें आप फिजिकल नहीं होता है. तो फिजिकल नहीं होगा तो फिर कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, चूंकि ये आर्मी की भर्ती है. देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले तो आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. उसके बाद रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षा. ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मोड से कराई जा सकती है, अभी इसको क्लियर नहीं किया गया है. उसके बाद मेडिकल होगा, फिर सिंपल सा पर्सनल इंटरव्यू होगा. देख सकते हैं 4 स्टेज है, लेकिन फिजिकल कहीं पर भी नहीं है. तो अगर आपका सपना है कि आपको आर्मी ज्वाइन करना है, डिफेंस सेक्टर में जॉब करना है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. साथ ही साथ फिजिकल भी नहीं है, पढ़ाई में आप अगर अच्छे हो तो ये आपके लिए पोस्ट बहुत अच्छी रहने वाली है. देखिए, एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो पहले ही बताया कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी मोड पर हो सकता है. 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए. पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है और टाइम आपका 2 आवर्स यानी 2 घंटे का रहेगा. और यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है. सो बी अवेयर, मतलब आपको कुछ
कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो बस सोच के आप टिक लगा करके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गलती कर देंगे तो आपका नंबर यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें ना, तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से भी 25 यानी 25 प्रश्न, एंड लास्टली जनरल इंग्लिश से 25 यानी कि 25 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका नॉर्मली एग्जाम वही है जो आपका एसएससी वगैरह का तैयारी करते हो ना, सेम एज पैटर्न यहाँ पर भी रहने वाला है। एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल और इंटरव्यू पास करोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 7 टाइप के पोस्ट है, कोई ग्रुप डी का है, कोई ग्रुप सी का है, कोई ग्रुप बी का है। सैलरी जो है ना पोस्ट वाइज शुरुआत में आपको 35,000 से लेके हाईएस्ट जो पोस्ट है उसके लिए 56,100 से शुरुआत होता है। बाद में सैलरी आपका बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, 1,77,000 के करीब। अब सारे पोस्ट के लिए उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो पोस्ट वाइज सैलरी फिक्स्ड होता है, वो भी आपको नोटिफिकेशन में अच्छे से दिख जाएगा। ये इसके रिलेटेड सारी बेसिक डिटेल्स थी। अब आते हैं द मेन पॉइंट पे कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को ये पता है कि ये नोटिफिकेशन लास्ट ईयर ही आया था कि 42,000 पदों पर भर्ती आ रही है, ठीक है, और उसका डेट क्या दिया गया था, पहले जुलाई 2023 में आपका ये नोटिफिकेशन आना था, फिर किसी रीजन से डिले करके 16 नवंबर 2023 को इसको आ जाना था। बट जैसा कि अभी ये न्यूज़ पता चला है कि जो आपका आर्मी एमईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसको हैक कर लिया गया, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं जिसके वजह से इसको डिले कर लिया गया। तो देखिए अभी क्या है ना, इससे रिलेटेड एक और नया नोटिफिकेशन आया है, और उम्मीद ये है ना कि इस नवंबर के लास्ट तक, मतलब कि नवंबर लास्ट तक या फिर हार्डली आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका ये वैकेंसी आ जाएगा। आई होप कि आप पिछले साल से इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो इस साल एग्जाम में अच्छा करोगे। अब नवंबर दिसंबर में फॉर्म अप्लाई होगा तो जनवरी से मार्च के बीच में एग्जाम भी करा लिया जाएगा। सो आई होप कि इससे रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज अब क्लियर हो गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके सॉल्व कर लेना। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी है तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।